काम करता है। अगर आपने सोचा है कि हमको एवरेस्ट की उस ऊंचाई पे पहुंचना है तो आप उस लेवल की पढ़ाई करिए, हो सकता है कि आप एवरेस्ट की ऊंचाई पे ना पहुंचे, उसके नीचे तो जरूर पहुंच जाएंगे। अगर आपने सोच लिया है कि हमको जो है टेट निकाल करके प्राइमरी का अध्यापक बनना है, तो पता लगा प्राइमरी का अध्यापक नहीं हो तो किसी लायक नहीं है, बेरोजगार ऐसे गांव में बहुत लोग टहल रहे हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है हमको आईएएस बनना है, तो उस लेवल की आप पढ़ाई करेंगे, उस लेवल की तैयारी होगी, उस लेवल की कंपटीशन होगी आपकी। और खुदा ना खास्ता अगर आप आईएएस नहीं हो, उसके नीचे आपके पास नॉलेज है, बहुत सी पोस्ट है, उस पर तो सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि आपने उस लेवल की पढ़ाई की है। लेकिन आपका अगर टारगेट छोटा है, संकुचित है, सोच छोटी है, तो शायद आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। और जिस दिन आपका सोचने का, समझने का और आपकी सोच बदल गई, उस दिन आपका जीवन जो है हर काम को करने में अलग हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। इसी पे एक छोटी सी कहानी हमको याद आ रही है। एक कुम्हार था, मिट्टी गूंथ रहा था, मिट्टी गूंथ करके वो बना रहा था चिलम। चिलम जानते हो ना, जिसमें गाजर पिया जाता है, गांव में देखे हो पीते हैं, ठीक। तो वो मतलब बना रहा था चिलम। ध्यान से सुनो, ये कहानी जो है कहानी नहीं है, इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार हमारी सोच बदलने से क्या होगा, क्योंकि सोच ही मनुष्य का सब कुछ होती है। जिस दिन आदमी की सोच बदलेगी ना, उस दिन जरूर कुछ न कुछ नया वो करेगा। तो मिट्टी को गूंथ करके क्या बना रहा था, चिलम बना रहा था। तो उसकी पत्नी बोली उससे कि आप जो है चिलम क्यों बना रहे हैं, गर्मी का मौसम है, आप सुराही क्यों नहीं बनाते हैं। तो उसका दिमाग, उसकी सोच बदल गई और उसने तुरंत मिट्टी को गूंथना शुरू कर दिया दोबारा। तब मिट्टी में से आवाज आई कि कुम्हार, अभी तो तुम मुझे चिलम का आकार दे रहे थे, अब आप सुराही का आकार क्यों दे रहे हो। तो कुम्हार ने जवाब दिया कि मेरी सोच बदल गई। तब मिट्टी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि कुम्हार, तुम्हारी तो केवल सोच बदल गई, हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, उसमें आग रख के पीते हैं ना, और अगर मैं आप मुझे सुराही बनाओगे, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपका कार्य करने का नजरिया बदल जाएगा, किसी चीज को सोचने का आपकी सोच पॉजिटिव हो गई, तो उस दिन आप शायद ये जान लो कि हम सफलता के मार्ग पे चल रहे हैं। और छोटे छोटे एम बनाओ पहले, जैसे एक छोटा सा एम हुआ कि इसको हम हो जाएगा, हम कर ले जाएंगे। जब उसे आप एक महीने दो महीने में प्राप्त कर लोगे ना, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, यार हम तो ये तो कर लिए। तब उससे बड़ा सोचो, ये चीज हमसे हो जाएगा, धीरे धीरे आपका वो एक तरीके से हैबिट हो जाएगी। ऐसे तब ऐसे एक दिन आप क्या करेंगे, बड़ी सोच आपकी होगी, वो भी सफल हो जाएगी। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप जो है पढ़ाई न करें। यहाँ आइए, पढ़िए, जो पढ़ाया जाए उतार कर चले जाइए, घर दोबारा रिटर्न आके मिले तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, केवल माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ आए, पढ़ के गए, मेहनत करके उतनी दूर से आए हो, गार्जियन पैसा दिए है, घर जाके पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से करो, सब चीजें लगन से करो, और हमेशा सोच अपनी पॉजिटिव रखो कि हमसे होगा। तो दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा सकती है, आपको सफल होने से रोक सकती है। लेकिन अपने में वो चीज उतारो तो सही, अपनी सोच बदलो तो सही, कार्य करना तो शुरू करो। और कब करोगे, तब समस्या आती है जब समय बीत जाता है, तब हम सोचते हैं यार काश हम भी उस टाइम परिश्रम किए होते तो आज हम भी यहाँ पे होते, तब उस टाइम याद आता है। और जब समय है तब हम काम नहीं करते हैं। अभी बहुत समय है, ये अभी स्टैंड हुए हो, और अगर यही क्राइटेरिया आप बना दिया, अभी से मेहनत से जुड़ जाइए, आज से ही जुड़ जाइए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। अभी सोचा चलो ठीक कल से स्टार्ट करें, तो पता लगा आधे हमारे एक्सीडेंट हो जाए, हम मर जाए। तो इसलिए जो भी टाइम है उसे सही सदुपयोग करिए।